ये है वाटरमेलन यानी कि तरबूज पूरे 10 kg का, और ये है नमक, वही नमक जिसे कि अपन खाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स करेंगे और मिक्स करके कुछ ऐसा करेंगे जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते, इसीलिए वीडियो को पूरी देखना। गाइस देखो, वैसे जनरली अगर अपन नमक को किसी भी चीज के अंदर डाले तो कुछ भी नहीं होता है, ये देखा जाए तो एक तरीके से सेफ है, अपन घर के अंदर भी यूज में लेते हैं। लेकिन वहीं पर इसी नमक को अगर अपन मेल्ट कर दे यानी कि पिघला दे और फिर किसी चीज के अंदर डालें तो जो कहानी है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि आज से लगभग 2 से 3 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने नमक को मेल्ट किया था और उसे जैसे ही हमने पानी के अंदर डाला, बूम, एक बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ। तो गाइस यार उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार पानी की जगह होगा ये 10 kg का वाटर मेलन। जी हाँ गाइस, हालांकि जो नमक है उसे पिघलाना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है, क्योंकि नमक जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होता है। तो इसे अपने ही तरीके से मेल्ट करेंगे और मेल्ट करके फिर डाल के देखते हैं इस तरबूज के अंदर, और फिर देखते हैं कि क्या होता है, कुछ होता भी है या फिर नहीं होता, या फिर सिर्फ ये एक थ्योरी है। तो गाइस यार अगर आप किसी भी वीडियो से मिस नहीं रहना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि अपने को सारी चीज़ें पुरानी नहीं सब पता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी का भी, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। हम फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार ये है हमारी फर्नेस जिसके अंदर कि अपन लोहे को पिघलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन पिघलाएंगे नमक को। तो गाइस यार जो नमक है वो मेल्ट होता है लगभग 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा होता है, क्योंकि 1000 डिग्री पे तो लोहा ही मेल्ट हो जाता है। ये देखो तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे काफी सारा नमक ले लिया है और अब इसे सीधा ही रख देते हैं इसके अंदर मेल्ट होने के लिए। ये और अब करते हैं भट्टी को ऑन। गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी जो भट्टी है अभी वो ऑन हो चुकी है, इसे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। भट्टी का टेम्परेचर और ज्यादा करने के लिए इसे आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा पत्थर से ढक देते हैं। गाइस अभी इस भट्टी के अंदर जो टेम्परेचर है वो है 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, और जो हमारा सॉल्ट है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। और गाइस यार अगर इसके अंदर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाए तो ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे इंसुलेशन के लिए अपने पैरों के अंदर पानी डाल रहा हूँ जिससे कि पैर ठंडे रहेंगे। अब गाइस जब तक ये सेट होता है तब तक वाटरमेलन को भी तैयार कर देते हैं नमक डालने के लिए। गाइस अभी जो आइडिया है वो काफी ज्यादा सिंपल है, ये जो वाटरमेलन है इसके ऊपर अपन एक छोटा सा छेद कर देंगे जिसके अंदर की अपन जो मोल्टन सॉल्ट है वो डाल सके। तो गाइस मैं यहाँ पर छेद कर रहा हूँ ये काफी प्यारा सा स्मॉल होल। राइट गाइस अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक काफी नाइस खड्डा हो चुका है जिसके अंदर अपन मोल्टन सॉल्ट को डाल सकते हैं। और राइट गाइस तो हमारा नमक भी पिघल गया है, तो अब ये पत्थर वत्थर हटाते हैं और नमक को बाहर निकालते हैं। गाइस ये सच में बहुत ज्यादा हॉट है इसीलिए इससे दूर रहना है, पत्थर ही पिघल गया है। ये देखो गाइस मोल्टन सॉल्ट। गाइस लेट्स डू इट, नीचे कर। जा गाइस इट वर्क्स, अब देख सकते हैं कि इसने वाटरमेलन के चिथड़े उड़ा दिए हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारे पास वाटरमेलन और है, लेट्स ट्राई वंस मोर टाइम। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से जब अपन नॉर्मल सॉल्ट को डालते हैं तो कुछ नहीं होता है, लेकिन वो इसी सॉल्ट को मेल्ट करते हैं तो इस तरीके की रिएक्शन होती है। एक बार और ट्राई करते हैं। गाइस यार अभी टाइटेनियम आर्मी के लेवल की चीज नहीं हुई है, तो एक और वाटरमेलन को ट्राई करते हैं और एक बार फिर से मोल्टन सॉल्ट को इसके अंदर डाल के देखते हैं। गाइस इस बार मैं ट्राई करता हूँ यार, फिर देखते हैं कि ये कैसे फटता है। मोल्टन सॉल्ट लेट्स ट्राई अगेन, डाल दे इसके अंदर। ऑलराइट गाइस मोल्टन सॉल्ट वर्सेस वाटरमेलन इन 3, 2, 1। गाइस दिस इज द टाइटेनियम आर्मी के लेवल का एक्सपेरिमेंट। गाइस आप देखा वाटरमेलन के अंदर एक बहुत खतरनाक धमाका हुआ, बूम, और आप देख सकते हैं कि वाटरमेलन के चिथड़े
बिखर चुके हैं, ये देखो, और वाटरमेलन भी नीचे गिर चुका है। तो गाइस यार ये होता है जब अपन टाइटेनियम आर्मी के लेवल का कुछ ट्राई करते हैं मोल्टेन सोल्ट विथ वाटरमेलन। आपने देखा है किस तरीके से इसने वाटरमेलन की धज्जियां उड़ा दी। वैसे घर पे अपन किसी भी चीज़ के अंदर नमक डालते तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही चेंज हो गई। आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? बिल्कुल भी। गाइस एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हटाओ गाइस, आप देख सकते हैं ये मेल्ट हो गया। तो ना ये देखो, ओ भाई साहब, मोल्टेन सोल्ट, एक बार फिर से। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। आप देख सकते हैं कि बस नीचे से इतना सा वाटरमेलन बचा है, बाकी बार बाकी सारा बूम बड़ा बूम। मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। सॉल्टी, लेकिन गाइस जैसे ही वाटरमेलन के अंदर अपना सॉल्ट गया, ये पूरी तरीके से ठंडा भी हो गया। फिर से इसके अंदर का जो पानी था उसने इसे ठंडा कर दिया। मे भी इसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे ही मोल्टेन सॉल्ट पानी से टच करता है, बहुत ही जल्दी पानी को वेपराइज कर देता है, और फिर वेपराइज यानी कि वाष्प में बदल देता है, भाप में। और भाप का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि भैया उससे वाटरमेलन फट जाता है। बाकी इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसा कि अपन उस पे जो नहीं होती थैले के ऊपर खाते हैं, नमक वमक लगा के, बिल्कुल वैसा। बाकी देखो वाटरमेलन के टुकड़े यहाँ तक आए, देखो भाई यहाँ तक। तो गाइस यार ये थी साइंस काफ़ी सिंपल सी चीज़ों के पीछे की। आपने देखा कि कैसे एक सिंपल सा नमक भी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए डोंट ट्राई टू डू दिस एट योर होम। अब मैंने ये सब करने के लिए, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।